अपनी सेल्फ अवेयरनेस मैक्सिमम है, मालूम है अपने को क्या है। अच्छा सेटल हो जाओ ना सब लोग, थोड़ा चलते फिरते ऐसे ना, वो ऑडिटोरियम में परफॉर्म करने की आदत है ना, तो ऐसे इतने ऐसे चहल का आदमी समझ नहीं आती, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते, ऊपर से लड़कियाँ इतनी खूबसूरत हैं यहाँ पे। सख्ती है, सख्ती मेनटेन है, सख्ती मेनटेन है। ज्यादातर जाकिर भाई जब आपको देखा है मैंने, मैं भाई बोल रहा हूँ जबकि उम्र में आप मुझसे बहुत छोटे हैं, मैं बेटा नहीं बोलना चाहता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बड़प्पन है साहब आपका, नहीं क्योंकि रिश्ते आने लगेंगे। ये नहीं सोच रहे आप कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है? जाकिर शुरुआत हुई इंदौर से जी। मैंने बहुत लोगों के सुने हैं कि कॉलेज में डिप्लोमा होते हैं, बड़े अच्छी अच्छी चीजें ऐसी हो जाती हैं। हाँ। आपका सितार में डिप्लोमा था और कॉलेज में गुल। वो क्या हुआ कि अपने को ना थोड़ी चौड़ की आदत है ना बचपन से, थोड़ा फैलान के रहने की आदत थी, तो एक कहानी की शुरुआत करता हूँ, मैं सुनाता हूँ, मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? बिल्कुल इरशाद। तो दो तरह के राइटर्स होते हैं, जो बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं वो दूसरों की ज़िंदगी का सच लिख पाते हैं, और जो ठीक ठाक राइटर होते हैं वो अपनी ज़िंदगी का सच लिख पाते हैं, ठीक है? तो मैं अपने दोस्त की एक कहानी सुनाता हूँ आपको। अच्छा मैं आप लोग बता दूँ कि मेरा रोल इस पूरे शो में एक प्रॉप हूँ मैं। मैं यहाँ साथ में बैठा हूँ, ना मैं वो दोस्त हूँ ना कोई ऐसे दोस्त का जानने वाला हूँ, सिर्फ जाकिर को अच्छे से जानता हूँ इसलिए साथ में बैठा हुआ। ये इन्होंने ओहदा दे दिया मुझको आज। तो आप तो कहानी की शुरुआत होती 2009 से। तब ना अपन कॉलेज छोड़ चुके हैं ये सोच के कि रेडियो में नौकरी करेंगे, मतलब रेडियो में क्या करते, और उस वक्त ना फेज 3 आने वाला था। तो फेज 3 मतलब ऐसा कि कुछ ऐसे 100-125 स्टेशन और खुलने वाले, और अपने को लगा अपनी शक्ल तो वाली है नहीं, पर तो अपन रेडियो में तो काम कर ही सकते हैं ना, मतलब। तो अपने को लगा कि दिल्ली में जाते हैं, दिल्ली जाके कोर्स कर लेते हैं। तो ये बात की शुरुआत होती 2009 से, जब अपन एक कोर्स करके ख़त्म कर चुके हैं सर्टिफिकेट कोर्स रेडियो का, उसके बाद एक 3 महीने की बहुत ही ग़ुलामी वाली इंटर्नशिप। जितने लोगों ने ज़िंदगी में इंटर्नशिप करी उन्हें पता है इंटर्नशिप क्या होता है, ठीक है? सबसे पहले बुलाते थे हरामी, सबसे लास्ट में भेजते थे। वहाँ से एक नौकरी का वादा मिला, और क्योंकि घर वालों से लड़के गए थे कि नहीं बजानी है सितार और नहीं करनी है पढ़ाई, हम ढूंढ लेंगे हमारी नौकरी, और घर वापस गए तो नौकरी लेके गए, तो मतलब ऐसा स्वैजर। फिर एक दिन फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, उन्होंने कहा कि महीने भर बाद लेटर आ रहा है। ऐसे करते करते 9 महीने हो गए और लेटर नहीं आया, और 9 महीने बाद जब ये नौकरी का झूठा वादा पैदा हुआ तो मरावा निकला। तो एक दिन ना ऐसे ही मन में ख्याल आया कि यार बेरोजगार रहना है ना तो कम से कम बड़े शहर का तो रहें, अगर गली के कुत्ते ही हैं तो फिर हाईवे पे चले जाते हैं ना। क्या बात है, गली के कुत्ते तो हाईवे चले जाते हैं, वाह। हाँ फिर और क्या, अपना वो ये नहीं बदल सकते तो वो बदल लेते हैं हम, मतलब। और वो भी उसमें उम्मीद ये कि बड़े शहर में बेरोजगार रहेंगे तो शायद किसी छोटे शहर में नौकरी लग जाए। ऐसे मैथ दिमाग पूरा लगाया। तो 2 बजे सोचा, 4:20 की ट्रेन थी इंटरसिटी इंदौर टू दिल्ली निज़ामुद्दीन। पापा बोला, पापा आए घर पर स्कूल से, टीचर हैं पापा अपने, तो 2:30 बजे आए थे, मस्त नौकरी, ज़िंदगी में टीचर बनो। गर्मी की छुट्टियां, सारी हॉलीडेज, कोई मीडिया वाला प्रेशर नहीं, और बच्चों को जी भर के डांटो। 2:30 बजे पापा आए तो मैंने बोला दिल्ली जा रहा हूँ। पापा क्या ऐसे थोड़ी होता है कि बात मत कर मुझसे, तो पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, अपना बैग वैग में कपड़े वपड़े डाले और अपन निकल गए। जनवरी की बात है, बॉम्बे के कितने लोग हैं यहाँ पे? तो कम है बॉम्बे के लोग। हाँ नहीं नहीं कोई बात, तो बॉम्बे के जो लोग हैं उनसे मैंने इसलिए पूछ लिया कि बॉम्बे में कौन कौन है यहाँ से, क्योंकि होता है कि बॉम्बे के बाहर एक कॉन्सेप्ट है, फिनोमिना है, जिसका नाम है मौसम। पता नहीं आप लोगों ने सुना है इस बारे में, नहीं सुना है, जैसे जैसे एक चीज़ होती है मुंबई के बाहर, एक चीज़ होती है जिसे ठंड, विंटर्स वगैरह भी कहते हैं उसको। तो जनवरी में उधर उस है एक जगह,
वहाँ पे ठंड हो रही थी साहब, तो अपन चढ़ गए ट्रेन में, तो थर्ड क्लास का डब्बा समझते हैं आप लोग, थर्ड एसी मत समझ लेना। तो एसी में तीन कैटेगरी होती हैं, टायर वन, टायर टू, टायर थ्री। फिर आता है सेकंड क्लास, जो कि होता है रिजर्वेशन का डब्बा, जिसके अंदर अंकल लोग पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, और अगर कॉलेज के लोग फंस गए हैं तो वो अंताक्षरी खेलेंगे और तुम्हारी जान ले लेंगे। उसके बाद आता है थर्ड क्लास का डब्बा। तो थर्ड क्लास के डब्बे में मैं बाथरूम के बाहर बैठा था 6 और लोगों के साथ, अंदर भी बैठ सकता था पर वहाँ 12 थे। तो मेरे पास एक शॉल थी और मैं अखबार बिछा के बैठा था। अखबार गर्म होता ज़िंदगी में सीख लो, अखबार की तासीर गर्म होती है, तो कभी बुरा वक्त आए तो अखबार बिछा के ओढ़ भी सकते हो, तो ये आज बता रहा हूँ, ठीक है। तो वही बात है ना कि जावेद साहब की किताब एक तरकश, उसमें एक शेर है कि अशारों में तलखियाँ बनी बात ही थी, जो हम पे है गुजरी हमें है याद सब, ठीक है। तो अखबार बिछा के मैं बैठा था और मैंने एक शॉल ओढ़ रखी थी, और वहाँ पे एक छोटा बच्चा भी बैठा था जो बहुत ठिठुरा था, उसके नाक वाक बह रही थी, और मतलब मेरे को लगा मर जाएगा ये। और टेम्परेचर है कुछ 5-4 डिग्री के आसपास, तो मैंने अपनी शॉल उसको दे दी, मानो ऐसी बस ऐसे ही ना दे दी, कुछ वो नहीं कि मैं बेटर ह्यूमन बींग। ओहो, उस वक्त मैंने अपनी 3 बजे रात को ना, कविता ना कभी भी आप तक आपको आती है, आप खुद नहीं लिख सकते, आप कभी सोचो कि मैं बैठ के कविता लिखूं, और मेरे पास थे 1500 रुपये सिर्फ, और एक शहर में जा रहा था जो मुझे पहले भी निकाल चुका है, ठीक है। वापस दिल्ली जा रहा हूँ, 1500 रुपये भी वो 1500 रुपये जो मेरी मम्मी ने निकलते वक्त दोनों आँखों में आंसुओं के साथ मेरी मुट्ठी में दबा दिए थे। है ना, माओ की ये सबसे खास बात होती है ना कि तुम चाहे कितने मशहूर हो जाओ, कितना ही नाम हो जाए, वो आज भी पैसे दबा देती मेरी मुट्ठी में। मैं कहा ज़रूरत नहीं है मम्मी। तो 1500 रुपये वो, और कुछ मतलब नौकरी नहीं है, कॉलेज छोड़ चुके हैं तो दोबारा पढ़ने नहीं जा सकते, सितार नहीं बजाते हैं आप। तो उस वक्त 3 बजे अचानक से मैंने अपना बैग खोला और एक कॉपी निकाली और पेन निकाला और एक कविता लिखी, शायद लोगों ने सुनी हो। मतलब वो जो स्टेट ऑफ माइंड है ना कि यहाँ से नीचे हार नहीं सकता, अब मैं इसके ऊपर तो जीतना है ना, अब कोई मेरा क्या, इसके आगे क्या बिगाड़ लेगा कोई। तो उस वक्त लिखा था कि कहा है कि मैं शून्य पे सवार हूं, कुछ कविता आपने सुनी होगी, बस कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं मैं कि वो कहां आई, वो ट्रेन में मैंने लिखी थी। कहा है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब समय खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूँ, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। क्यों ऊंच नीच से परे मजाल आँख में भरे मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, कि ऊंच नीच से परे मजाल आँख में भरे मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को ही ढल गया वो रात से था डर गया, मैं तो जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार। माशाल्लाह, बहुत उम्दा, ये तो पीयूष भाई की एक्सटेंशन लग रही थी मुझे। हाँ, उसका स्टाइल थोड़ा वैसा ही है। तो उसके बाद जब आप बड़े शहर में बेरोजगार होते हो ना, जब काम ढूंढने, बेरोजगारी की सबसे कमाल की बात ये होती है कि पता नहीं होता है ना कब बंद हो जाएगी। तो मेरा दोस्त विश्वास, वो भी आ गया दिल्ली और हम दोनों साथ रहने लगे, और बड़ा मतलब बेरोजगारी में तुम पता नहीं होता, कोई बुला लेगा, कितने भी पैसे लग सकते हैं। तो हम एक ही वक्त खाना खाते थे और दूसरे वक्त हम ऐसे एक डिनर करते थे, लंच वंच का सीन नहीं था, ठीक है। और कहते ना कोई शहर अच्छा बुरा नहीं होता, लोग अच्छे बुरे होते हैं ना, कि तो इसलिए मतलब ना मैं बहुत घमंड करना चाहता हूँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ तक पहुँचने में इतने लोगों का हाथ लगा है ना कि मुझे पता ही नहीं कि मैं किससे पलट के घमंड करूँ। क्योंकि मैं जिस मकान में रहता था दिल्ली में, वो लैंडलॉर्ड जो हैं वो एक तो दिल्ली के लैंडलॉर्ड, ऊपर से मुस्लिम एक्स पुलिसमैन और जाट, मतलब कॉम्बिनेशन ऐसे बिल्कुल। तो मतलब उनका वैसा था कि पैसे नहीं लूँगा, पैर तोड़ दूँगा मैं उसके। और यही आदमी मुझसे कहता था, 3 महीने किराया नहीं देने के बावजूद भी मुझसे कहता था, पैसे हैं तेरे पास, दे पाएगा,
₹30 का टिफिन आता था मेरा, उसमें भी 7,000-7,000 रुपये उधार हो जाता था। तो मतलब मैं चाहता हूँ घमंड करना, पर इन लोगों का कर्जा उतरा नहीं है अभी। तो 3 लगातार सालों की एक ज़बरदस्त बेरोज़गारी, ठीक है, और उसके अंदर भी वो एक टॉर बनी हुई है कि कुछ हो जाएगा यार, कुछ कर लेंगे। घर से निकल गए हो आप और पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा ना, बचपन में पापा ऐसे मजाक में कहते थे कि अरे तू बड़ा आदमी है यार, बस एक वो क्या चढ़ गया दिमाग में, अपन सब छोड़ के चल दिए हैं। और क्या है, एक एक बिलीव ही तो है ना अंदर कि पता नहीं क्या, पर कुछ हो जाएगा, कुछ तो कर लूँगा मैं। तो एक दिन विश्वास बोला, बोले सुन, तेको एक दोस्त का नाम लिया जो हमारी क्लासमेट होती थी, जो हम लोगों से बहुत मदद उदद लेती थी, उसकी नौकरी लग गई और उसका एक प्रमोशन भी हो गया, हम अभी बेरोज़गार ही हैं। तो उसने बोला यार अपन ने जहाँ शुरू किया था ना अपन वहाँ तक नहीं आज। सब वन ऑफ दोज ना, वो मायूसी के दिन होते हैं ना, सब वैसा वाला। तो उस वक्त ऐसे एक शेर और दो लाइनें लिखी थी कि अपने आप के भी पीछे खड़ा हूँ मैं, अपने आप के भी पीछे खड़ा हूँ मैं, जिंदगी कितना धीरे चला हूँ मैं। बहुत कि अपने आप के भी पीछे खड़ा हूँ मैं, जिंदगी कितना धीरे चला हूँ मैं, और मुझे जगाने जो और भी हसीन हो के आते थे, मुझे जगाने जो और भी हसीन हो के आते थे, उन ख्वाबों को सच समझकर सोया रहा हूँ मैं। जिंदगी कितना धीरे चला हूँ मैं। और ऐसा होता है ना कि कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ना। दिवाली बहुत पसंद है मुझे, दिवाली मेरा पसंदीदा त्यौहार है, ठीक है। और दिवाली की सबसे खास बात यह है ना कि आप हिंदू मुसलमान हो, दिवाली दिवाली है यार, ठीक है। ठीक है, अपने को सब त्यौहार बहुत पसंद। तो अक्सर ना दिवाली पे घर चला जाता था मैं वैसे ऐसा। तो एक बार क्योंकि छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं अकेला था दिवाली पे दिल्ली में, बेरोज़गारी के टाइम की बात है, और घर वालों से बात नहीं। घर वाले बोल रहे हैं यार तुम क्या वापस आ जाओ ना, क्योंकि वापस आके मैं आराम से किसी स्कूल में म्यूज़िक टीचर की नौकरी कर सकता हूँ। पर नहीं करना यार, नहीं माननी हार, गिव अप थोड़ी करना है यार, अब निकल गए ना बस, और भाई तुम्हारा वॉरियर है। तो ना ऐसे बीच बीच में ऐसा होता कि घर वालों से 8-8 महीने बात होना बंद हो जाती थी। और अपन ना, अपन मैं नहीं कहूँगा छोटे शहर के लोग, बहुत सारे लोग बड़े शहर के लोग भी ऐसे होंगे, है ना, कुछ लोग होते हैं बड़ा इमोशनल, अपन ना थोड़ा इमोशनल आदमी है। तो अपना ना ऐसा, अपन रिश्तों में काम कर सकते हैं, रिश्ता कायम हो जाएगा ना तो अपन काम कर सकते हैं, अपन ऐसे प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते। इसलिए मेरी ज़िंदगी में जितने मेरे बॉसेज रहे ना, मैंने हमेशा उन्हें भाई कहा है, मैंने कभी सर नहीं कहा किसी को, ठीक है, क्योंकि काम करवा नहीं सकता कोई अपने से। प्यार में कर देंगे, जान ले लो प्यार में, भाई से भाई कह के जान मांग लो दे देंगे, सर नहीं हो पाएगा। चलो ये अच्छा है कि भाई बोलते हो, तो मुझे मालूम है कि फ्यूचर में कम से कम काम तो हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ कि घर से निकला, दिवाली का दिन था, कोई भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, और पूरी बिल्डिंग खाली है, मतलब खाली बिल्डिंग है पूरी। और दिवाली अकेला सा त्यौहार कि अगर आप घर नहीं गए और आप अपने कमरे में बैठे हो तो भी पता चलेगा, क्योंकि बाहर पटाखे फूट रहे हैं। तो ना सिर्फ मेरे को रोना आ गया यार। तो मैंने, और ठंड, ये नवंबर के टाइम में ठंड हो जाती है दिल्ली में, ऐसे स्मॉगी हो जाते हैं, तो मैंने खुद डाला और ऐसे करके मैं बस चलना शुरू कर दिया। मैंने से बस चलते 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 मैं कुछ 3:30 साउथ हॉस्कस विलेज में मैं रहता था, और मैं साउथ एक्स तक चलते चलते चला गया, और चलते चलते और दिमाग में उसे पता नहीं कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, घर क्यों नहीं चल जाता मैं, क्या यार क्या कहाँ 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 कहाँ। बस एक वहाँ पर साउथ एक्स पहुँचने के बाद उसे याद आया कि बड़े लोगों के साथ होता है ये सब। बस ये सोचा और मैंने पलटा और मैं स्माइल करके वापस आ गया। तो उस दिन जब मैं रो रहा था बैठ के कमरे में, उस वक्त एक कविता लिखी थी, छोटी सी कविता, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जैसे कविता भी नहीं है यार, मैं कोई ऐसे बहुत राइटर वाइटर नहीं। ये सब मेरे दोस्त की कहानी है बाय द वे। तो उसके कविता थी कि बस का इंतज़ार करते हुए मेट्रो में खड़े खड़े, बस का इंतज़ार करते हुए मेट्रो में खड़े खड़े, रिक्शा में बैठे हुए गहरे शून्य में क्या देखते रहते हो, गुम सा चेहरा लिए क्या सोचते रहते हो, क्या खोया क्या पाया का हिसाब नहीं लगा पाए ना इस बार भी,
घर नहीं जा पाए ना इस बार भी. बहुत उम्दा, बहुत उम्दा. फिर अचानक से चीजें बदली. एक दिन बात हुई कि साहब नौकरी करोगे क्या? और वो हो जाता ना बिल्कुल बेरोजगारी में, आप इतना दिन रहे होते, उसका अपना कंफर्ट है, उसका अपना कंफर्ट है यार. क्योंकि आप बेरोजगारी में ना क्लेम कर रहे होते कि साहब हम सबसे औसम है, आपको पता नहीं हम क्या चीज़ हैं, एक बार रख के तो देखो. और पहली बार कोई कह रहा आओ दिखाओ क्या हो तुम, जरा बताना. तो आपके अंदर ना जमीर थोड़ा सा ऐसे कहता है कि भाई झूठ तो नहीं कह रहे थे अपन के. तो नौकरी कर ली. अच्छा नौकरी कितने लोगों नौकरी जब आप करोगे ना तब आपको रियलाइज़ होगा कि जब आप स्टूडेंट होते हो या जब आप काम नहीं कर रहे होते हो ना तब आप बड़े चैलेंजर होते हो कि ये सब गलत कर रहे हैं, देखना जिस दिन हमको काम मिलेगा ना सत्ता बदल देंगे हम. और ना आप क्रिटिसाइज़ बहुत करते हो लोगों के काम को जब आप खुद काम नहीं कर रहे होते हो. तो इसीलिए मुझे जितने भी लोग क्रिटिक्स हैं ना, जो लोग दूसरों के काम की बुराइयां करते हैं या उन्हें छानबीन करते हैं, मुझे लगता है ये लोग बेरोज़गार हैं. क्यों, जब सिस्टम में जाते हो तब आपको रियलाइज़ होता है उस मीडियोक्रिटी का रीज़न कि वो काम उतना मीडियोकर क्यों है. तो अगर आपको रीज़न पता है तो फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते ना उसको, आप कभी नहीं बोल सकते ये आदमी मीडियोकर है, हो ही नहीं सकता वो आदमी मीडियोकर. तो क्योंकि सिस्टम को ऑसमनेस नीचे होती है, तो 3 दिन लगा के महान काम मत दे, तो 6 बजे स्क्रिप्ट दे, समझा. तो वो अंडरस्टैंडिंग वो बहुत नई लर्निंग होती, क्योंकि वो कोई भी नहीं बोलता. ये सच है जो सिस्टम के बारे में कोई नहीं बताता कि मीडियोक्रिटी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डेडलाइंस है, देना है. पर घर से तो आप आग लेके निकले थे, घर से तो आप क्रांति लाने के लिए तो निकले थे, या नौकरी करने के लिए थोड़े निकले थे यार आप. तो ना आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो कि यार मतलब अपन कहीं वो फसाड वो भरोसा झूठ तो नहीं है, कि क्या है अपन सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, कि यही करने आए थे क्या, यही मतलब. रेडियो में एड्स लिखता था मैं, तो वो वाले एड्स होते ना दिस दिवाली जी हाँ, एंड आई वाज आल्सो राइटिंग देम. तो उस वक्त एक शेर एक नज्म लिखी थी, कि एक शेर लिखा था बस, कि क्या वो आग नहीं रही ना शोलों सा दहकता हूँ, क्या वो आग नहीं रही ना शोलों सा दहकता हूँ, रंग भी सबके जैसा है सबसा ही तो महकता हूँ. क्या वो आग नहीं रही ना शोलों सा दहकता हूँ, रंग भी सबके जैसा है सबसा ही महकता हूँ. और एक अरसे से हूँ थामे कश्ती को भंवर में, एक अरसे से हूँ थामे कश्ती को भंवर में, तूफान से भी ज़्यादा साहिल से सिहरता हूँ. अब वो आग नहीं रही ना शोले सा दहकता हूँ. अपन वही बात है, रिश्तों में काम कर सकते हैं अपन, तो अपन रिश्ता कायम कर लिया लोगों के साथ. पर नौकरी में ना, अच्छा एक चीज़ ज़िंदगी में एक और चीज़ सिखा दूँ मैं यहाँ पे, कि दोस्त बन चुके हैं कॉलेज तक, बस बस कोशिश भी मत करना. तो ना चीज़ें होती हैं आप अपने तरीके से. तो जैसे मैं लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं उसे, रूल ऑफ द लैंड कहते हैं, लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं, लॉ ऑफ द, तो मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ. अगर किसी जगह की रिक्वायरमेंट ऑफिस पॉलिटिक्स है तो करो, और ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं करी, मैंने भी करी, पर अपना बैठा नहीं उनका बैठा, मतलब कुछ ना, मतलब ऐसे कोई वो शर्मिंदगी वाली बात नहीं. पर जब आप रिश्तों में काम करते हो ना तब आपको धोखे बड़े होते हैं आपके साथ. और वो जिस तरह से आप, और कई बार ना आपको लगता है कि आप क्वेश्चन करने लग जाते हो कि मैं इतनी दूर ये सब करने आया था, कि मतलब मैं फंस गया हूँ क्या कहीं पर. और ना माँ बाप से भी लड़के आए हो आप, और दुनिया में भी लड़ रहे हो, तो आपके पास हाइड, आपकी कोई खुद की केव नहीं है ना, कोई इमोशनल वहाँ नहीं है ना जहाँ पे आप खुद जाके कन्फाइड कर सको, रो सको, तो आप लिख लेते हो. तो ऐसे एक तो जब भी कोई कविता लिखता है ना, मुझे बोलता है मैं कविता लिखता हूँ, मैंने कहा तू उदास आदमी है रहने दे, ठीक है. उसके पास बताने को बातें नहीं ना, इसलिए वो लिख लेता है. तो ऐसे एक 4 लाइनें लिखी थी, कविता नहीं है ये, तो इसमें राइम भी नहीं है. ऐसे लिख दिया एक दिन, कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी गला घोट घोट कर जीना, दिन रात मेहनत करने के बाद भी गला घोट घोट कर जीना, खाने का वक्त तय नहीं और काम बहुत ज़्यादा, इज्जत कम और पैसे उससे भी कम, माँ बाप का साथ नहीं, किसी के कहे पे भरोसा हो जाए ऐसी किसी में भी बात नहीं, ए बड़े शहर तेरा बहुत कर्जा है मुझ पर, सब चुकाऊंगा बारी बारी से.
और ना आप लोगों से लड़ तो लेते हो, अपन चटके वे लो, अपन तो ऐसे अपन वॉरियर है ना, तब से डाउन ट्रॉटन होते नहीं ना कभी, तो से लोगों से आप फंस रहे हो, आपका उसको जगह नहीं बताने की, तो आप ना ऐसे लिख देते हो कुछ भी। तो जैसे मैंने बड़े ऐसे जंगजू, आप मेरे जाएंगे ना, तो मैं 2013-14 जब मैं नौकरी करता था उस वक्त के, आप अगर मेरे स्टेटस पढ़ेंगे ना, तो बड़े ऐसे आग स्टेटस है वो, ऐसे कुछ भी लिख रखा था और कुछ पता नहीं ना, कन्फर्म नहीं है। जैसे अभी तो लग रहा है कि हाँ भाई हुआ होगा तुम्हारे साथ ऐसा, तो मैं मालूम, तब तो दूर दूर तक वीराना था भाई, पता ही नहीं कि ज़िंदगी में कुछ हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ऐसे स्टेटस लिखें कि मेरा वक्त कयामत की तरह है, याद रखना आएगा ज़रूर। और फंसा, झूठी धमकी, खाली धमकी। हाँ, और एक बार ऐसे लिख दिया कि एक बार लिखा था कि मेरी ज़मीन तुमसे गहरी है, याद रखना आसमान भी तुमसे ऊंचा होगा। ज़मीन तुमसे गहरी है, याद रखना आसमान भी तुमसे ऊंचा। फिर नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ने के बाद कुछ पर्सनल लाइफ में भी हुआ, और वो ना मतलब दिल्ली शहर में घूमना इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि यार वो रेस्टोरेंट तो वहीं रह जाते हैं ना, और वो वेटर तो दोबारा पूछता है टेबल फॉर टू। तब अपन आ गए बॉम्बे, मुंबई आ गए अपन, ठीक है। और जब मुंबई आए ना, तो मुंबई शहर की बड़ी कमाल की बात है कि यहाँ पे ना ये ना बड़ा मेला है, मुंबई शहर मेले के जैसा है। तो जब तक आप अपने दोस्तों के साथ हो, तब तक सब कुछ चमकदार है, जहाँ उनका हाथ छूटता है ना, बहुत तन्हाई लगती है। इसीलिए ऐसा अकेला वाहिद शहर है जहाँ हाउस पार्टीज़ का कल्चर है, क्योंकि सब तन्हा और कोई किसी को बताने का, सब कह मेरे घर आ जाएगा प्लीज़। तब नए नए जब आए थे, तब उस वक्त एक बात कही थी कि कितना तन्हा है नया शहर, तुम्हारी यादें तक नहीं है यहाँ। उसके बाद ना कुछ कुछ हुआ, AIB में काम मिल गया, और मैं ऑनरेरी AIB में राइटर होता था, और बड़ा मतलब वो उनको ना हिंदी राइटर चाहिए था, और क्योंकि वो कॉमेडी कंपनी, तो उन्होंने सोचा कि हम स्टैंड अप उसी को लेंगे जो स्टैंड अप करता हो हिंदी में। और मेरा 7 साल का प्रॉब्लम यही था कि मैं इंग्लिश सर्किट में हिंदी करता था, मैंने कहा ये नौकरी तो बनी ही मेरे लिए, प्लीज़ मुझे बुला लो। फिर एक दिन AIB दिवस हुआ, वो वीडियो बहुत वायरल हो गया, और उसके बाद ना सब लोग का ना, वो तो पुराने दोस्त जितने रहते हैं ना, वो सब ऐसे हो जाते हैं भाई प्लीज़ बदलना मत, सेम रहना ना, सेम रहना। अब मैं कैसे बताऊँ कि यार बहुत पीछे से आ रहा हूँ। तो एक बार ऐसे ही ट्विटर पे लिखा था कि कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा बहुत दूर से, क्या जगह का नाम क्या, मैंने कहा मेहनत। तो मैंने उस सब के जवाब में कि मैं बदलूंगा कि नहीं बदलूंगा, मैंने एक छोटी सी 4 लाइनें लिखी, सुना देता हूँ आपको। कहा कि भूख देखी है तिरस्कार करती आँखें, कदमों से चल चल कर रास्तों को नाम बदलते देखा है, अपने टूटे हुए स्वाभिमान के साथ खुद को काम बदलते देखा है। देखी है ना उम्मीदी अपमान देखा है, ना चाहते हुए भी माँ बाप का झुकता आत्मसम्मान देखा है, सपनों को टूटते देखा है, अपनों को छूटते देखा है। हालात की बंजर जमीन फाड़ कर निकला हूँ, बेफिक्र रहिए मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूँगा। आप बस साथ बनाए रखिएगा, अभी तो मैं लंबा चलूंगा। बहुत उम्दा। एक आखिरी कविता सुना देता हूँ। अपने को ना मौत से बहुत फैसिनेशन है भाई, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत ऐसे बहुत ही मजा आता है अपने को डेथ के बारे में बात करने में। और मेरी ज़िंदगी के सबसे लो पॉइंट जो रहे ना, उनमें मुझे जीने की ताकत और ज़्यादा मिल गई कि एक मिनट, सिर्फ पैदा होकर मरने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे, हैं तो 2009 जब 2009-10 में एक शेर लिखा था एक बार कि मेरे 2-4 ख्वाब हैं जिन्हें मैं आसमां से दूर चाहता हूँ,
जिंदगी चाहे गुमनाम रहे पर मौत में मशहूर चाहता हूँ। प्लेन में जब बादलों में जब प्लेन गड़गड़ाता है तो अब एक दो बार अपने को ना बिजनेस में बैठने का मौका मिला होता है ऐसे, ठीक है। बड़ी प्रिटेंशियस जगह मतलब मुझे इतना दिल टूट गया मेरा देखकर कि जब बादल गड़गड़ाए तो जैसे इकोनॉमी में ना लोग थोड़े हिल जाते हैं कि क्या हुआ, बिजनेस में वो भी नहीं होता है वैसे, मतलब ऐसे मरे वैसे पड़े रहते हैं। मैंने कहा हार्ट अटैक तो मतलब कितनी अफसोस की बात है कि आप इतनी आगे पहुंच गए कि आप अपने डर तक नहीं बता सकते लोगों को। तो मैंने एक फिल्म देखी थी नौनिहाल, उसमें किसी बहुत एक्स प्राइम मिनिस्टर की एक फ्यूनरल की तस्वीर है और मैं 14 साल का था और मेरे को वो हो गया कि खाऊं ऐसी चीज़ ज़िंदगी में। तो मेरे को जो पसंद आता था मेरे को लगता ये भी खाऊंगा मैं। जैसे मैंने न्यूक्लिया का राजा बाजा का वो देखा था लॉन्च, NSCI डोम कहते हैं उसको, हाँ। तो मेरे को हो गया स्टेडियम खाना है। साल भर बाद जब मुझे मौका मिला अमेजन प्राइम का स्पेशल करने का तो उन्होंने कहा करोगे यहाँ रंग मंदिर में या यहाँ करोगे, मैं कह नहीं ताल कटोरा स्टेडियम खाऊंगा। तो बड़ा ऐसे वो वाली बात है ना कि मेरे को ना वैसे मेरा मन है तो जब भी प्लेन गड़गड़ करता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले लगता था कि यार मर गया तो किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं क्या करना चाहता था ज़िंदगी में, पर अब मुझे लगता है कि इनफ अनरिलीज्ड फुटेज है कि कोई डॉक्यूमेंट्री तो बना ही देगा। फिर मेरा सर्वाइवल टेक ओवर करता है कि भाई डॉक्यूमेंट्री सुपर हिट भी हो जाएगी तुम्हें पता चलेगा क्या, नहीं ना बायोग्राफी फ्लॉप भी होगी तो तुम्हारी आंखों के सामने होगी। जीते रहो जिंदा रहो भाई। तो मैंने एक नज्म लिखी है जिसके साथ लास्ट कुछ कहा है कि जो मेरे अपने लोग हैं ना, तो मैं जब भी किसी से बहुत नाराज हो जाता हूँ ना तो मैं बस उनसे पलट के ये कहता हूँ कि और एक दो बार से ज़्यादा मैंने कहा नहीं होगा ये। जब मैं किसी से बहुत नाराज़ हुआ तो मैंने बस उनको ये कहा था कि सुनो मरने पे भी मत आ जाना मेरे। तो हाँ, तो ये नज़्म है। कहा है कि मेरा सब बुरा भी कहना पर अच्छा भी सब बताना, मेरा सब बुरा भी कहना पर अच्छा भी सब बताना, मैं जब जाऊँ इस दुनिया से तो मेरी दास्तां सुनाना। ये भी बताना कि कैसे समंदर जीतने से पहले मैं हजारों बार छोटी छोटी नदियों से हारा था, ये भी बताना कि समंदर जीतने से पहले मैं न जाने कितनी छोटी छोटी नदियों से हजारों बार हारा था, वो घर वो ज़मीन दिखाना कोई मगरूर जो कहे तो शुरुआत मेरी बताना, बताना सफ़र की दुश्वारियाँ मेरी ताकि कोई जो मेरे जैसी ज़मीन से आए उसके लिए नदी की हार हमेशा छोटी ही रहे और समंदर जीतने ख्वाब उसकी आँख से कभी जाए ना, पर उनसे मेरी गलतियाँ भी मत छुपाना, कोई पूछे तो बता देना कि किस दर्जे का नाकारा था, कह देना कि झूठा था मैं, बताना कैसे ज़रूरत पर काम ना आ सका, वादे किए पर निभा ना सका, इंतकाम सारे पूरे किए पर इश्क अधूरे रहने दिए, बता देना सबको कि मैं मतलब ही बड़ा था, हर बड़े मकाम पे तन्हा ही खड़ा था, मेरा सब बुरा भी कहना अच्छा भी सब बताना, मैं जब जाऊँ इस दुनिया से तो मेरी दास्तां सुनाना। बहुत उम्दा भाई, बहुत बहुत उम्दा। जाकिर, मैं आपने इतना कुछ कह दिया है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ बिजनेस हो या इकोनॉमी, आदमी में पहले क्लास चाहिए होती है और वो तुम में है। प्लीज़ गिव योर हैंड्स अप फॉर जाकिर। दिस वॉज द मोस्ट इंटीमेट सेशन आई हैव एवर हैड द प्लेजर ऑफ होस्टिंग विद समवन एज वंडरफुल। बहुत Thank you, Zakir. Thank you so much.